अशी अशी मम्मा के साथ अशी। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। आयन बेटा तू ही बात कर ले, मम्मी तो कर ले रहे। फेक प्रेगनेंसी थी। बॉबी पायल को दोबारा वोमिटिंग में खून आया है, डॉक्टर को बुलाना। आयन को लेके जा रही हूँ ना। अच्छा नहीं उसके लिए, जाओ तुम लोग घर जाओ। सब ठीक नहीं होगी ना, इसको बच्चे से दूर रख। और ये चुप नहीं हो रही, पता नहीं क्यों रोई जा रही है, क्यों रोई जा रही है। मैं हूँ ना, तू अकेली थोड़ी है। पर पूरी रात ना ऐसे सोचते रहते कुछ ना कुछ। बच्चे नहीं है इसके पास, तो इससे पहले ना पायल इतनी बीमार कभी भी नहीं हुई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का जो व्लॉग है बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था स्टार्ट करने का, पर आप लोगों को अपडेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पायल की ना बहुत दिन से तबीयत खराब थी। मतलब लगा लो प्रेगनेंसी से 2 महीने पहले से पायल को कफ हो रहा था। आज सुबह सुबह की बात है, 7:30 बजे की बात है, पायल को ना सांस लेने में दिक्कत आ रही। तो पायल ने दवाई ववाई खाई, अपनी पेन किलर खाया, वो सो गई। तो 1 बजे के करीब वो कफ कर रही, कफ करने के बाद उसको कफ में ना थोड़ा सा ब्लड के स्पॉट्स आ गए। चीकू के पापा को बताया, मुझे बताया कि ऐसे ब्लड आ रहा है, तो फटाफट चीकू के पापा उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी हॉस्पिटल में उसका सिटी स्कैन हुआ है, सिटी स्कैन के साथ साथ डॉक्टर ने इन्फेक्शन भी बताया कि इन्फेक्शन है और उसे एडमिट कर लिया है। और मैं, सपना दीदी, अभी मेरी गोदी में अयान है, अयान, जैद, तूबा, सपना दीदी, हम सब घर पर हैं, चीकू के पापा पायल के साथ है। हाँ, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, बस अभी दवाइयां चल रही है, थोड़ा ब्लड आ रहा है इसको मुंह में से। गोलू जा रही है डाइट लेके संदीप की, और गोलू पायल से मिलने के लिए। पायल ने कहा कि एक बार आ जा, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। तो अयान को भी ले जाएगी, दूध भी पिला लाएगी थोड़ा इसको। और इसके कपड़े, अयान के ये कपड़े डाल दूं क्या? हाँ दीदी बहुत अच्छी है, ये सही है ना? वैसे कपड़े इतने सारे है गाइस, जिनको आते नहीं है। सबसे छोटा पीस यही निकाला मैंने, सबसे छोटा पीस, क्योंकि सारे बड़े बड़े हैं। और जल्दी से गोलू तैयार हो रही है, ये जा रहे हैं, ठीक है, ये पैक कर दे इसको। तो यहाँ पर आ गया पायल के लिए बहुत ही मजेदार सा साफ सुथरा खाना, और यहाँ की सर्विस पायल को बहुत ही अच्छी लगी। बस ये ठीक हो जाए, क्योंकि अभी अभी दोबारा पायल की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। आपने जैसे देखा है कि मतलब दोबारा ब्लीडिंग होने लगी थी मुंह में से। पायल का भैया कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, हॉस्पिटल वालों ने सेवियां दी है पायल के लिए, और बहुत ही कमाल का खाना लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन ये खाना खाएगी ना यहाँ का, और जल्दी से और ठीक हो जाएगी। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी हॉस्पिटल के लिए, अयान भी हो गया रेडी, और मैंने सारा का सारा सामान ले लिया अयान के लिए, क्योंकि पायल कह रही है कि वो अयान को ना अपने पास रखेगी। तो अयान के कपड़े, डायपर, उसके नाइट सूट, उसका ब्लैंकेट, पाउडर, क्रीम, सब कुछ ले लिए। और इधर ना चीकू के पापा के लिए डाइट भी ले लिए, फ्रूट्स भी ले लिए। दीदी अयान को, अयान कितना सुंदर लग रहा है, बीबी लग रहा है मेरा, नजर लग जाएगी। आज तो कपड़े दे दो, बोले ले लो की चीज ले लो। हाँ मैंने ले लिया, सब ले लिया। माउचा माउचा माउचा, देख रहे दीदी क्या खेल रही है? माउचा हसी हसी मम्मा के साथ हसी, मम्मा के साथ हसी। मैं हूँ ना, टेंशन मत ले। चा चा चा। दीपक, जैद का और तूबा का दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है। ओके, तो गाइस वहाँ पे नितिन भैया बस मेरा वेट कर रहे हैं। नितिन भैया के साथ मैं, निष्ठा जा रहे हैं हॉस्पिटल, और जाके वहाँ पे देखते हैं पायल का क्या हाल है। सही है, खाने का टेस्ट सही है, मजा आ गया। अब आराम कर लो, अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, 1-2 घंटे आराम कर लो बिल्कुल ना। मैं बोल दूंगा बार 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 घंटी ना बजाए ना। तो गाइस साथ में चीकू को भी लेकर नहीं आए, क्योंकि चीकू ना घर पर बुआ के साथ में था, सिर्फ अयान को लिया। पायल का बहुत मन था अयान को मिलने का, तो बस अभी रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक है, क्योंकि ना आज मौसम भी ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद बारिश होगी, पर अभी बारिश हो नहीं रही, पर मौसम ऐसा हो रहा है। यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? 15 मिनट। सही है तबीयत पायल है? क्या बताया डॉक्टर ने? अभी टेस्ट दिए बहुत सारे कल्चर। और सिटी स्कैन में क्या आया? सिटी स्कैन में आया है वो पहले वाला इन्फेक्शन। अभी ब्लड टेस्ट वगैरह दिए, ये ले उसका कल आएगा। ये ले अपनी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को। कैसे लग रहा है कपड़ों में? अच्छा लग रहा है, काला टीका लगा है? काला टीका अंदर लगाया, बाहर नहीं लगाया, फैल जाते ना। अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। ये वही वाले कपड़े हैं? पूजा लगी? नहीं नहीं, ये निष्ठा लेके आई थी ना, धूप सबसे पहले, बिल्कुल फिट आया ना। कवर भी रहेगा ना? हाँ इसे पूरा कवर है, इसके नीचे भी मैंने पहना दिया। डेली खाना लेके आई हूँ मैं, अनार लेके आई हूँ, और इनके लिए डाइट लेके आई हूँ, डेली पराठा लेके आई हूँ। मेरी डाइट मिलेगी यहाँ? मिलेगी, मत भेजना घर से खाना ना, यहीं पे मिलेगी। ठीक है, इसको ना भेज दे, इनको ना मत रख, ठीक है ना, भेज दे इसको यहाँ से। ठीक है, कुछ खाना आपके लिए मैं लेके आई हूँ, राइस लेके आई हूँ, और साथ में अनार लेके आई हूँ। अनार खाएगी? नहीं। बोले काम कर तू ना, 10-15 मिनट बाद इसको यहाँ लेके चली जा। ठीक है, मैं तो इसलिए मिलवाने के लिए लाई थी ना, पायल का थोड़ा दिल लग जाता। कोई दिल लग गया, वीडियो कॉल में बात करा दे इसको, ठीक है? तो कोई बात नहीं, घर पे देख, जरूरी है ना, मैं भी तो हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं। अभी हाँ जी, पापा कह रहे उठी उठी कर लो, शोई के गायो पूरे रास्ते शोई शोई। खाना वाना खा लिया था इसने कुछ? हाँ, इसे मैं फीड करवा कर लाई थी, तभी रास्ते में आराम से सो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं,
ठीक है बेटी, भाग जाओ आप यहाँ से, भेज दे इसको यहाँ से। सोनी मुंदरी भेज रही हूँ अभी, थोड़ी देर में भेज रही हूँ। मास्क लगा ले, थोड़ा सा मुझे दूर रख इसको। भैया मास्क लेके आना। हाँ बेटी, मम्मा को बोला मैंने थोड़ा सा दूर रहो भैया, थोड़ा सा दूर रहो, है ना? सही बोला ना? सही बोला पापा, सही बोला। यहाँ पर आ गए मजेदार सी कमाल की चाय भाई, और गोलू को लग रहा है मैं किसी होटल में हूँ। रूम तो ऐसा लग रहा है होटल जैसा, मैं सोच रही डिलीवरी तो यहाँ करवानी चाहिए थी। मस्त रूम है, बहुत अच्छा रूम है। और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ना फास्ट लोगों को आने नहीं देते, जितने हमारे भीड़ थी ना मैं भगा देते, कहते अपने रास्ते जाओ वापस। नहीं बात मेरे से ज्यादा नहीं बोला जाएगा, आप बात करो। कोई बात इससे बोलेगा। हाँ भी आयान बेटा तू बात कर ले, मम्मी तो कर ले रहे। हेलो कर लो यान, दो साल बाद। तो नींद ना पूरी होने की वजह से ना मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत भी ना खराब होने वाली है बहुत ज्यादा। तो मैंने अभी अभी गोलू को ना बहुत ही स्ट्रिक्ट बोला है कि भैया दो नैने रख ले रात की, और सोने पे ध्यान दो, शक्ल देख लो तुम्हारी एक बार, शक्ल दिखा दो। देखो मेकअप भी काला पड़ गया, बोल रहे थे आज की मेकअप करके आई काला लग रहा है। मेकअप इसलिए करके आई थी, थोड़ी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ऐसे बिना मेकअप के, तो मुझे शर्म सी आती बाहर आने में। मैंने सोचा थोड़ा सा ना ड्रेसअप होके आती हूँ, अच्छा नहीं लगता। पायल तू कब करेगी ड्रेसअप? मैं जब ठीक हो जाऊंगी। ठीक है तो ओके रिपोर्ट है, बस थोड़ा सा ना वही है, ट्विंस बेबी को जन्म दिया ना, नजर लगती है क्योंकि ना एक तो तुम ना एक्टिव बहुत हो, घूमती घामती रहती हो, इन लोगों को लगता है इन्होंने ना बच्चे गोद ले लिया कहीं से है। बोलते हैं ना ऐसे कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपका तो ऑपरेशन लगता ही नहीं, कि आपको ऑपरेशन हुआ था, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी फेक प्रेगनेंसी थी। अभी पायल को दोबारा वोमिटिंग में खून आया है। पायल तू ना बिल्कुल आराम कर ले, कुछ मत कर, लेट ही रह बेड पे, ठीक है? डॉक्टर को बुलाना, बुला उसको, नर्स को बुला। सुबह से नहीं ही लगाया आपके दोबारा है, कोई ठीक हो जाए तू चल लेट जा। आयान को लेके जा रही हूँ ना, इसलिए रख लो। नहीं रहे अच्छा नहीं उसके लिए, मैं हूँ ना, टेंशन मत ले। थोड़ी देर चीकू को भेजो मिलने के लिए, मिलेगी चीकू से है? रात को भेजो चीकू को मिलवा देना एक बार। यार तो यही है, कोई जाता थोड़ी है पायल, एक बार तो घर पर ही है ना। मैं वीडियो कॉल करती रहूंगी हर एक घंटे में, जब भी तू उठेगी ना, जब भी तू उठेगी मैं तेरे को वीडियो कॉल करती रहूंगी। रो मत बाबू, ऐसे रोएगी तो सुबह से रो रही है, आंखें पूरी वो हो जाएगी, सूज जाएंगी। तब भी तेरी कैसे ठीक होगी जब तू रोती रहेगी, तो फिर तो ठीक ही नहीं हो पाएगी, और स्ट्रेस ले रही है तू तो ना। अकेले रह, मैं तू रहेंगे यहाँ पे, जब तक ठीक नहीं होगी हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है? चीकू के पापा है ना, पानी दूं? जाओ तुम लोग घर जाओ, सब मैं घर जा रही हूँ। बच्चे को ले जाओ यहाँ, दोबारा मत लेके हॉस्पिटल में इसको, ठीक है? ठीक नहीं होगी ना, इसको बच्चे से दूर रख। तो आपको जैसे पता है कि ना अभी अभी आयान आया था, तो हॉस्पिटल का जो है ना माहौल यहाँ का, जैसे कि पायल की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है, तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो फिर मैंने आयान को घर भेज दिया, और गोलू को बोला स्टिक ऑर्डर किया कि दो नैनी रख घर पे, और अपना सोने पे ध्यान दो, अगर सोने पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम भी कल को बीमार हो जाओगे, कल को फिर बच्चों को दूध वूध फीड वीड कराने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो गाइस अभी अभी सपना दीदी का फोन आया, दीपक का वीडियो कॉल आया, ज्यादा रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, उसने दूध तो पी लिया है बट वो रो रहा है, तो मुझे ना लग रहा है शायद उसके पेट में दर्द ना हो रहा हो, पता नहीं क्यों रो रहा है, क्योंकि जब भी बच्चों के पेट में दर्द होता है ना तो वो हल्का बहुत रोते होते हैं। तो बस अभी ट्रैफिक में हूँ, घर पहुँचने वाली हूँ, और साथ ही साथ दीदी ने भी बताया कि तूबा ने ना सारे के सारे कपड़े गीले कर लिए, क्योंकि हम तूबा को ना गाइस डायपर नहीं पहनाते हैं, और इसके रैशेस हैं, तो हम सोचते हैं डायपर अवॉइड करूँ, पर सारे कपड़े गीले कर लिए, और पिछले दो दिन से ना मौसम भी ऐसा हो रहा है कपड़े सूख नहीं रहे हैं। आज क्या हुआ था, कल आंटी ने कपड़े हाथ से धोए थे तो सुखाए, वो सूखे नहीं, पर आज मैंने बोला कपड़े धो लो हाथ से, स्पिन कर दिया मशीन में, तब भी नहीं सूखे। तो अभी मैं, निष्ठा, नितिन भैया, चीकू जाएंगे मार्केट, वहाँ से बच्चों के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कंबल, पजामिया, सॉक्स और फुल स्लीव की टी शर्ट, ये सब सामान लेकर आने। तो अभी अभी ना मेरे दिमाग में एक बात आई है कि पायल को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब गए बहुत टाइम हो गया, तो मैं पायल को यहीं से दर्शन करवा देता हूँ गुरुद्वारा साहिब के, जिससे तू जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है? करा दूँ? पक्का हो सकते हैं? तेरे को लगता है यहाँ से गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हो सकते हैं? है? कैसे बता? आपने देखे अभी? आ जा, खाना खा के आ जा, आ जाना, खा लेना पहले। क्यों और नहीं खाई? बस तो यहाँ से गुरुद्वारा साहिब पूरे दिख रहे हैं, तो पायल आ जा आराम से, दिख रहा है? हाँ, जय करते फिर तभी। तो पायल ये वाले गुरुद्वारे में ना पहले भी आ चुकी है, और पायल की किस्मत चमक गई है, पास से दिख गया पायल को, है ना पायल? हाँ, तूने पता है जो ऊपर ये चुन्नी बांधी है, ये भी गुरुद्वारा साहिब के है ना? ऑरेंज कलर के। तो गलती वलती मांग ले कि सब कुछ ठीक ठाक हो और ठीक हो जाए जल्द। फिर एक काम करेंगे, हम यहीं से घर जाएंगे ना, सब हम नाडा साहिब गुरुद्वारे होते हुए चलेंगे, ठीक है? ताकि मैं जल्दी से बच्चों का चले जाऊं। हाँ, यहाँ बैठ मत, बेड पे बैठ जा रहा हूँ, बेड पे लेटने का दिल नहीं कर रहा, कमर दर्द हो रही है। आराम कर, नहीं बैठना थोड़ी देर, टीवी देखना।
नहीं बस ऐसे बैठी हूँ। जूस पीना, जूस कुछ पीना, ठंडा नहीं है ये, नॉर्मल है, देखिए खट्टी अभी है ना, खट्टी चीज और ठंडी चीज, नॉर्मल जूस ला के दूं, जूस ला के दूं कुछ। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, और ना घर पे आने के बाद बज गए थे 8:15 क्योंकि रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला। तो मैंने ये चीज सोची कि एक काम करती हूँ, जो मेरा लेगिंग्स का आइडिया था, बच्चों के कपड़े लेने का आइडिया था ना, वो ड्रॉप कर देती हूँ, वो छोड़ देती हूँ, क्योंकि क्या है, अब कल जाना है चीकू को स्कूल, और अगर मैं चली गई बाहर तो चीकू को कोई सुला नहीं पाएगा, तो चीकू को खाना खिलाना है और सुलाना है। और ये रहा चीकू यहाँ पे, चीकू मेरे को सिर्फ 10 मिनट दे दो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आपको खाना खिलाती हूँ, फिर सोना है बेटा। दीदी क्या कर रहे थे जैद? मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, इसकी तारीफ करी जाने उतनी भी कम है। तेरे जाने के बाद मैं लेके बैठी थी इसको, दूध भी पिलाया फिर भी नहीं चुप हुआ है, बार बार तेरे को वीडियो कॉलिंग पर दिखा दिए चुप हो जाए, तेरे को देख रहा चुप हो रहा था, इतना जाने लग गया इसने, देख ले बातें करती है, दूध पिलाती है, जब ये पिला रही है बातें कर रही है, हाय मेरा चुन्नू मुन्नू कर कर रही है, हमारे तो हाथ में नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो अभी अभी पायल को नेबुलाइजर चल रहा है और साथ में ड्रिप भी चल रही है, और ये चुप नहीं हो रही, पता नहीं क्यों रोई जा रही है, क्यों रोई जा रही है, इतनी बार समझा रहा हूँ पायल, सुबह से कह रहा हूँ मत रो ना, ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसे तू मन कच्चा करे, मेरा भी मूड खराब हो जाएगा सारा, ब्लड हो जाएगा ठीक है, पर रो मत ना बेटी है, रोते नहीं है ठीक है, मैं हूँ ना, तू अकेली थोड़ी है, अकेली है फिर ऐसे थोड़ी रोते हैं, चुप हो जा बेटी, आयान को बुला दूँ यहाँ है, फिर ठीक हो जाएगी है, अचानक से तकलीफ आई है, अचानक से ठीक हो जाएगी ठीक है ना, देख कितने ट्रीटमेंट चल रहे हैं वहाँ पे, देख तेरी ड्रिप चल रही है, नेपोलाइजर चल रहा है, ये थोड़ी केयर नहीं हो रही, केयर हो रही है पूरी पूरी, पर थोड़ी ना पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहेगी सब ठीक हो जाएगा है, ठीक है, टेंशन मत ले मेरी जान, टेंशन मत ले है, कितने सारे लोग प्यार करते हैं तेरे को है, तू रोती रहती सारे दिन, पहली बार देखा इतनी बार रोते हुए तेरे को मैंने, चाय वाय पीनी, गर्म से अच्छी चाय बनवा दूँ पीनी, और कुछ खाना साथ में, कुछ नहीं खाना, फोन पे बात करनी है किसी से, गोलू से है, ठीक आराम कर, ठीक हो जाएगा बस। तो गाइस कल रात की बात बता देती हूँ आपको, कल रात को क्या हुआ था, तो कल रात को ना जो मेरी नैनी है ना, तो वो आए हुए थे, तो बीच में को अराउंड ना 2:30 की नींद आई, तो जब वो 2:30 की नींद आई तो नैनी हमारी ना बच्चे को लेके घूम रही थी, मैंने देखा किसको लेके घूम रही, देखा जैद था, तो 3:30 के करीब मैं फिर वॉशरूम के लिए उठी, तो फिर वो घूम रही थी बच्चे को लेके, तो मैंने देखा कौन है, देखा जैद था, 4:30 फिर उठी मैं 4:30-5 तब भी कोई बेबी को लेके घूम रही थी, देखा जैद है, तो ये बोलते हैं जो जैद है ना वो रात को दूध भी पी लेता है, सब कुछ कर लेता है, पर पूरी रात ना ऐसे सोचते रहता है कुछ ना कुछ, ऐसे आंख खोल के ना सर पे हाथ रखे कुछ ना कुछ रहता है, तो मुझे नहीं पता गाइस वो क्या सोचता है, आप लोग भी जरूर बताना, अगर आपका छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, 1 मंथ का होने वाला है, और वो क्या सोचते हैं समझ नहीं आता। और गाइस साथ ही साथ ना पायल को ना दोबारा से ना वो कफ में ब्लड आया था, डॉक्टर ने बोला था रिपोर्ट आ जाएंगी 9:30 तक, तो अभी बस मैं वेट कर रही हूँ 9:30 का, कि जैसे 9:30 मैं फोन करती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को कि इसकी रिपोर्ट्स में क्या आया है, क्योंकि अभी क्या है, अभी बचे हैं 8:20। सब ठीक हो जाएगा, सब क्यों परेशान हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हाँ जी मैम, ऐसे बिल्कुल नहीं रहूंगा मैं, सुबह देखो मिलने भी आती हूँ, मैंने शाम को डॉक्टर सोमित से बात करी थी, कह रहे थे बेटर है पायल, तो मैंने सोचा चलो ठीक होएगी, मैंने अब रात को फोन किया, मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता होता है सबसे थोड़ी मैं तुझे अभी मिलने आ जाती, नहीं कोई बात नहीं मैम, ऐसे तो रोना नहीं है बेटा, मैंने तेरे को पूरे 9 महीने भी नहीं रोते देखा, इसमें देखो प्रॉब्लम थी कुछ थी, ऐसे थोड़ी रोते, ये जो बेटे कटे नहीं होते ना, ये जो होती है ना स्पेसेस होती है, स्पेसेस ये बड़ी पतली पतली होती है, हाँ जी, और हमारी कफ को देखो 3 हफ्ते हो गए हमारी ठीक नहीं हो रही थी, तो वो स्पेसेस जो है थोड़ी सी इंजर हो जाती है, जी मैम जी। तो गाइस मैं घर पर नहीं होती ना तो ये हाल होता है, मैं बच्चों को चीकू को बिल्कुल भी ना चेप्स चौकस कुछ भी बेड पे खाने नहीं देती, क्योंकि चीटियां आती है और इसी बेड पे बच्चे सोते हैं, तो सारे बेडशीट के ऊपर ना सब सामान गिरा हुआ है, और रूम की हालत देखो क्या हो रही है। तो गाइस बहुत ज्यादा ना मुश्किल हो जाता है सब बच्चों को मैनेज करना इकट्ठे, क्योंकि 4 बच्चे है ना सबको मैनेज करना, 3 बच्चे तो बिल्कुल ही समझदार नहीं है कुछ नहीं बोल सकते, जो चीकू है उसको भी मैनेज करना होता है, उसका स्कूल है, जब तक मैं उसको सुलाऊंगी नहीं खाना नहीं खिलाऊंगी तो वो सोएगा नहीं, चाहे रात के 12 बजे 11 बजे अगर वो जाग रहे हैं जागता रहेगा, तो उसको हमें सुलाना पड़ता है, तो उसके पापा ने डेडलाइन दी हुई 8 बजे की, पर आज 9 बज जाएंगे क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल से भागम भाग में आई हूँ, और अभी बस मुझे टेंशन हो रही है कि बच्चे के ना तूबा को तो मैं डायपर नहीं पहना सकती, अयान और जैद को डायपर पहना दूंगी, बट तूबा के लिए भी लेगिंग्स नहीं बची, तो आज उसने भी डायपर पहना हुआ है, तो बस भगवान करे उसको रैशेस ना हो, कोकोनट ऑयल तो लगा लिया था 3 बच्चों को। तो गाइस यहाँ पे आ गया खाना, और चीकू को मैंने बोल दिया चीकू आगे आ जाओ, आ जाओ फटाफट आ जाओ बेटा, चीकू को फटाफट खाना खिला दीजिए, क्योंकि जो बच्चे है ना तीनों वो नैनी के पास है, जब तक इसे खाना खिलाऊंगी सुलाऊंगी फिर उसके बाद बच्चों को देखूंगी। तो
आज बनी है रोटी दाल दही और साथ में है करेले की सब्जी। मुझे दही चाहिए। बेटा बहुत टेस्टी होती है, दाल खाकर देखो, दही के साथ नहीं खाती। नहीं नहीं सोने, थोड़ी सी खिलाऊंगी। तो पायल को कभी भी इतना कमजोर मैंने कभी भी नहीं देखा। सबसे पहले तो क्या ना है कि इसका दिल नहीं लग रहा है, आन के बिना बच्चे नहीं है इसके पास, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा परेशान है। नहीं तो जिंदगी में कभी नहीं रोती थी, बस कहती थी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, और हमेशा ही अब भी ऐसे ही हुआ। देखिए हम कल घर चल पड़ेंगे रात तक, ठीक है? अब ये ड्रिप ड्रिप चढ़ी है सारी, उसके बाद बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ठीक है, तो गाइस चीकू का खाना हो गया डन, मेरा भी खाना, बस मैं अपना खाना कंप्लीट कर रही हूँ। और साथ ही साथ ना अभी अभी पायल का, चीकू के पापा का फोन आया था कि गोलू यान को भेज दे, पायल बहुत ज्यादा रो रही है, पायल का दिल नहीं लग रहा और दीदी संभाल लेगी। तो सपना दीदी को मैंने बोला, सपना दीदी मैंने घर आते ना यान के कपड़े चेंज करा दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा बच्चा पूरा पैक है तो थोड़ा नाइट सूट पहना देती हूँ, पर दोबारा से वही कपड़े पहना रही है नैनी उसकी। और साथ ही साथ सपना दीदी भी रेडी हो गई है, तो सपना दीदी जा रही है यान को लेकर। बाकी बस चीकू ने खाना खा लिया, दीपक चीकू का दूध लिया बेटा ग्लास में दूध लाकर मैं इसको सुला देती हूँ, क्योंकि ये लगा ले डेडलाइन से टाइम ओवर हो गया है, 9 बजने वाले हैं, इसको कल स्कूल जाना है। तो बहुत सारे लोगों के ना कमेंट आते हैं कि अरमान भाई तुम जिम जाते हो, तुम डाइट खाते हो, तो इतना ही ध्यान पायल बोल के क्यों नहीं रखते? तो भैया मैंने इनके हाथ नहीं रोके हुए, मैं इनका बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं इनसे पूछूं तुम्हें खाना क्या, जो मैं खाता हूँ वो तो ये हाथ भी नहीं लगाती, ये चिकन विकन को हाथ नहीं लगाती दोनों। और आप घास फूस खाते हो वो नहीं खाया जाता हमसे, टीवी देखी वेब सीरीज लगा दो, अच्छी से ऊंचा कर दो, थोड़ी वेब सीरीज लगा दो, हैं ये निकलवा दो, अभी आ रही है, बोला मैं डॉक्टर को, अभी बोला आ रहे हैं यार हम, चल तू जा, तू पैर से भी ट्रिप चढ़ती है क्या? अरे नहीं तो लेट जा यार, पायल मैं पैर में करवा लेती हूं। क्यों सारी डिप खत्म होगी? यहां पे सब खत्म हो गया, कोई नहीं ठीक हो जाएगी, बस अब खत्म इसलिए हो ना, अभी तो ठीक होने वाले हैं जल्दी, तू घर जाने वाली है। व्रत रखे थे तूने मेरे जैसे पति के लिए? हाँ। कितने? 1600 बार। बकवास मत कर, एक भी व्रत नहीं रखा तूने आज तक? नहीं रखा है। कौन सा? करवा चौथ का रखा है बस? करवा चौथ का रखा है। तो मेरे से शादी होने से पहले थोड़ी रखते थे करवा चौथ के? नहीं तो करवा चौथ का तो रखा है, 12-15 साल तो हो गए। अच्छा तो वही होता है 1600 बार, इसी वजह से वो मूवी चला दो कोई बढ़िया से, ये इसमें सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं, फोन में देख ले फिर। ठीक है दीदी, देखो मैंने स्मूदी बनाई है, कैसी लग रही है? ये पम्पकिन सीड्स है ना? हाँ जी। देखो मुझे कुछ आता नहीं था, सब सीख लिया मैंने। कौन सी फ्लेवर की है? स्ट्रॉबेरी। आप पियोगे? ट्राई करूँ? कर लो, बस बस बस। अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आप पी लो और बना दूंगा मैं। मस्त लग रही है, 10 में से 10। ओह माय गॉड, मजेदार है दीपक। तो यहाँ पर आ गई है पायल के लिए बहुत ही मजेदार सी चाय, साथ में बिस्किट खाने। बिस्किट वो कौन से जो सुबह खाए थे वो कौन से? नाम नहीं पता, मैंने वापस भेज दी। चल मैं मंगवाता हूँ दूसरे बार, पहले चाय पी ले। तो ये वाला जो हॉस्पिटल है इसमें बाहर का खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर पायल का कुछ भी खाने का दिल करेगा ना तो वो यहाँ ऑर्डर करेगी और यहीं से बन के आएगा, मतलब कुछ भी जो भी इसका दिल करे। और चाय खाना पीना बहुत ही कमाल का है, मतलब ये लगा लो कि जैसे घर खा रहे हैं खाना ना पायल। तो इससे पहले ना पायल इतनी बीमार कभी भी नहीं हुई। पायल का हाथ दिखा, तो हाथ दिखा बेटा। तो ये देखो कम से कम ना 15 बार ना कैनुला सूज चुका, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पर, अभी ठीक हो जाएगी। तो दीदी पूरी जिंदगी मैंने इतने चक्कर नहीं काटे जितने इस बार हमने हॉस्पिटल के चक्कर काट लिए हैं। इतने चक्कर काट लिए समझ नहीं आता, मतलब ये लगा लो कि प्रेगनेंसी के अंदर ना, मतलब पिछले 2 महीने से तो बहुत ज्यादा चक्कर काट लिए दीदी, पिछले 2 महीने बिल्कुल, बिल्कुल मेरे को तो दिख रहा कितने दिन हो गए मेरे को, देखते हो रोज डेली ये हॉस्पिटल जाते, एक दिन छोड़ के लेके गए थे परसों, फिर रोज रात को 12 बजे इनको ड्रिप चढ़ा रहे हैं। बड़ा मुश्किल का, आज पहले के टाइम में होते बच्ची हो ना, आज संदीप ने देख लो बिल्कुल उदास हो रहा है, बिल्कुल उदास आज भाई, सुबह से थके हुए हैं ना, सारा दिन हो गया भाई आज तो, कुछ भी नहीं खाया पिया तुमने, अब खा लेना ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना दीदी ने तैयारी कर ली है, तो मैंने ना पायल के लिए खिचड़ी भी डाल दी है, ये अयान के लिए नैन भी डाल दी है, साथ में कटोरी चम्मच भी डाल दी है, वो वहाँ पे दीदी गर्म पानी तो मिल ही जाएगा ठीक है। ये अयान के कपड़े हैं, आंटी अब अयान को दे दो मामा, ये अयान ले आती ठीक है, ठीक है अयान को ले आओ। अरे दीदी चली गई, चाबी रहेगी, बाबू चाबी लेके जानी है, तू जा सामान लेके जा ठीक है, मेरे को दे दे। चलो दीदी ठीक है बाय, का क्या हो चप्पल, मेरे को बोल देते मैं निकाल देती, चलो है दीदी बाय बाय बाय, दीपक छोड़ा नीचे। तो फाइनली गाइस यहाँ पर सपना बहन आ गई है और अयान को लेके आ गए, इससे तो दूर रख, जब दूध पिलाने तभी दियो इसको ठीक है गोलू, पायल ठीक है एक बार देख ले भाई, कोई बात नहीं सुबह से नहीं देखा ना तूने है ना। तो सपना कह रही है कि भैया दोनों बच्चे बहुत ही शुद्ध हैं, रोते नहीं है, अयान रोता है, अयान थोड़ा रोता है, जैद रोता है, जैद रोता है, बड़ा हो गया वो थोड़ा, मान जान भी लग गया थोड़ा सा, वो पहचान लग गया, मान वो गोलू दिख जाएगी ना, लग जाएगा गोलू ती देख कर। हाँ जी आ गए आप भी, अब मम्मी का दिल लग जाएगा, तेरे से दूर कुछ से भी देखेगी ना तब भी नींद आ जाएगी तेरी माँ को है ना, आ जाएगी ना, आ जाएगी देख देख के, आ जाएगी
है? बुआ बेटा पूरी सेवा कर रही है, बड़े होके बुआ की सेवा कर देना चुपचाप, है ना सुनना। एक काम करते हैं, तीनों बच्चे तू रख ले, ठीक है? ठीक है सपना, फिर मैं जान लग रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके बेटी, चल ध्यान रख तू, ठीक है? घर में भी कोई नहीं है ना? हाँ मैं आता रहूंगा ना। एक काम करूंगा, सुन मेरी बात, एक काम कर दो, नितिन को एडिट करा के नितिन को यहाँ भेज देता हूँ, रात को यहीं रुक जाएगा, ठीक है? रात को कुछ चाहिए हो तो फिर एक बंदा होना चाहिए ना। हाँ मैं भेज, घर दूर है ना बहुत, कोई नहीं मैं नितिन ना भेजू। तो दो दिन से मौसम इतना ज्यादा खराब है ना जीरकपुर का, मतलब गर्मी नहीं है और ठंड है, और चारों तरफ मौसम देख सकते हो बहुत ही सुहाना सा है। मैंने हाफ टी शर्ट पहनी है, इसमें ठंड लग रही है मुझे। गाइस अभी मतलब ये लगा लो कि जैद का उठने का टाइम है और मेरा सोने का टाइम है, ये लड़का देख ले। तो गाइस बस रात को ना चीकू भी टाइम से सो गया था और चीकू के पापा भी हॉस्पिटल से आ गए, सपना दीदी चली गई थी। तो ये वाले ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।